हे वेलकम बैक टू योर पॉलिटी क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू लिया था, देन हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़े थे। आज हमने पढ़ने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिटिसिज्म। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वन इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। हमने ये पहले भी पढ़ा था। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को गो थ्रू किया था, देन उनके मेन पॉइंट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया था। तो इसलिए बहुत सारे क्रिटिक्स का कहना था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड है, और उन्होंने उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए थे, बैग ऑफ बोरोइंग्स, होच पोच कॉन्स्टिट्यूशन, पैच वर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स। बट इसके आंसर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था, उन्होंने बहुत लंबी स्टेटमेंट दी थी, मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट कर दिया है। ही सेड स्कोप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन सेटल्ड। इसका क्या मतलब है? अभी जैसे जब हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उससे पहले बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जा चुके थे। जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उसके बाद बहुत सारे। अब सभी कंट्रीज़ की बेसिक नीड सेम होती है, सभी कंट्रीज़ ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने सिटीजन्स को बेसिक राइट्स दिए हुए हैं। जो चीज़ हमें अलग मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या होगा, हर एक कंट्री के हिसाब से, उसकी नीड्स के हिसाब से कुछ कुछ वेरिएशन मिलेगी, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा हमें। तो इस तरह से उन्होंने बोला स्कोप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन सेटल्ड, इट मीन्स अब तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जा चुके हैं उन सब में बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो लिखा जा चुका है। ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस मस्ट लुक सिमिलर, तो सभी कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से सिमिलर ही दिखेंगे। द ओनली थिंग दैट कैन बी एडेड आर द वेरिएशंस मेड टू रिमूव द फोर्स एंड अकोमोडेटेड टू द नीड्स ऑफ कंट्री। तो सिर्फ जो हम चीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं वो क्या है, थोड़ी बहुत वेरिएशंस कर सकते हैं ताकि कंट्रीज के हिसाब से वो फिट इन बैठ सके। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है अ कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। जैसे मैंने बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसका मेजर पोर्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज़ लिया गया है। तो लोगों ने उसे बोला वो कार्बन कॉपी है, और लोगों ने क्या बोला कि वो अमेंडेड वर्जन है 1935 एक्ट का। कुछ लोगों ने बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस अ क्लोज कॉपी ऑफ एक्ट ऑफ 1935। तो उसके आंसर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बोरोइंग, कि बोरो करने में कुछ भी गलत नहीं है। इट इन्वॉल्व्स नो प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है, जब हम किसी के काम को कॉपी करके उस पर अपना नाम लगा के दिखा देते हैं। तो उन्होंने बोला था कि नोबडी होल्ड्स एनी पेटेंट राइट्स इन द फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स के ऊपर किसी का भी पेटेंट राइट नहीं है। तो अगर उन्हें किसी भी डॉक्यूमेंट में या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई फंडामेंटल राइट मिलता है जिसे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ नॉन इंडियन और एंटी इंडियन। कुछ क्रिटिक्स ने बोला था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नॉन इंडियन है या फिर एंटी इंडियन है, बिकॉज इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट इंडियन स्पिरिट, कि इंडिया का जो कल्चर है या फिर इंडिया की जो चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिखाई देती। एक क्रिटिक ने बोला था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही मेंबर थे, आपको नेम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये कोर्स लर्न कर सकते हैं। वी वॉन्टेड द म्यूज़िक ऑफ वीणा एंड सितार, बट हियर वी हैव द म्यूज़िक ऑफ एन इंग्लैंड बैंड। एक क्रिटिक ने बोला था अ स्लेविश सरेंडर टू वेस्ट। अब क्या है, इसका आंसर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ से नहीं आया था, तो मैंने अपनी तरफ से आंसर ऐड कर दिए हैं, ये आप लिख सकते हैं। ये मैंने अलग अलग सोर्सेज इकट्ठे किए हैं, और इन्हें लिखना ज़रूरी क्यों है, जब भी आप यूपीएससी के लिए मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आप किसी भी टॉपिक के ना तो कम्प्लीटली फेवर में लिख सकते हैं, ना ही उसके कम्प्लीट अगेंस्ट हो सकते हैं। आपको ग्रे शेड पे रहना है, उसके प्लस पॉइंट्स भी बताने हैं और उसके माइनस पॉइंट्स भी बताने हैं, एंड देन फाइनली कंक्लूजन में आपको लिखना है कि यस इसमें ये कमी है और हम ऐसे ऐसे सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जितने पॉइंट्स हैं, क्या पता रिटर्न एग्जाम में ऐसे ही आ जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नॉन इंडियन और एंटी इंडियन बोला जाता है, तो आपके थॉट्स बताइए। पहले आपको लिखना है क्रिटिक्स ने क्या बोला था, देन आपको लिखना है इसके फेवर में पॉइंट्स, देन आप अपना कंक्लूजन देंगे। तो इसके फेवर में क्या पॉइंट है, इट रिप्रेजेंटेड एन एमलगम ऑफ मैनी सोर्सेज एंड ट्रेडिशंस। एमलगम क्या होता है, एमलगम साइंस की एक टर्म है। इसमें क्या होता है, अलग अलग मेटल्स को एक फिक्स अमाउंट में मिक्स कर लिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, एमलगम बोला जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो मेटल होती है उसके पास जो प्रॉपर्टीज़ होती है, और एमलगम जो होती है उसमें मेटल से ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है और वो रस्ट रेजिस्टेंट भी होती है। इसलिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एमलगम भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स ऐड किए, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ एन अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया को, क्योंकि इंडिया को आज़ाद करवाने में गांधी जी का एक बहुत बड़ा योगदान था, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में उनके सिद्धांत होने चाहिए थे, उनके प्रिंसिपल्स होने चाहिए थे। तो वो क्रिटिक्स कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है। वो दो पॉइंट्स देते हैं उसके लिए। इट डज़ नॉट कंटेन द फिलोसफी एंड आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें महात्मा गांधी के फिलोसफी आइडियल्स नहीं लिखे हुए हैं। एंड सेकेंड वन इज़ वो क्या कहते हैं कि सिर्फ दो टायर हैं, सेंटर एंड स्टेट। एज यू नो, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दो टायर ही इंट्रोड्यूस किए थे, सेंटर एंड स्टेट। थर्ड टायर जो था वो 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू आया था। तो उनका, लोगों का मानना था कि पंचायत भी होनी चाहिए। इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, यस, टू टायर सेंटर एंड स्टेट, इसमें प्रॉब्लम थी जो कि बाद में सही कर दी गई 73rd and 74th अमेंडमेंट के थ्रू, और एक थर्ड टायर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। एंड जो ये फिलोसफी एंड आइडियल्स वाला पॉइंट है, इसका काउंटर पॉइंट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो मिक्सचर है। उसमें गांधी जी के प्रिंसिपल्स भी लिए गए हैं और कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स भी लिए गए हैं जो गांधी जी के नहीं थे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास DPSPs हैं, हमने उसकी कैटेगरीज पढ़ी थी ना, तो एक क्या थी उसमें, सोशलिस्टिक, सेकेंड वन वॉज गांधीयन, थर्ड वॉज लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो जो गांधीयन कैटेगरी थी उसमें 40, 43rd, 45th, 46th and 48th DPSP वो हैं जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स को दिखाते हैं। एंड इट वॉज मेड टू सर्व डिस्टिंक्टली इंडियन पॉलिटिकल चैलेंजेस। दूसरा क्या है, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में गांधी जी के प्रिंसिपल्स अब क्यों नहीं ऐड किए, उसका रीज़न ये था कि हमारा जो हमारी कंट्री है उसमें जितनी डाइवर्सिटी है और जितने ज़्यादा पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं वो सब गांधी जी के प्रिंसिपल से सोल्व नहीं हो सकते थे। ऑल दो गांधी जी के मूवमेंट में बहुत लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, बट फिर भी हमारे कंट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम उनके प्रिंसिपल से सोल्व नहीं हो सकती थी। उनकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कुछ और प्रिंसिपल भी डाले गए हैं जो गांधी जी के प्रिंसिपल से नहीं हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कम्प्लीटली अनगांधीयन है, ये एक मिक्सचर है। नेक्स्ट इज़ एलिफेंटाइन साइज़। ये हमने किया ही था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका साइज़ है वो बहुत बड़ा है। एक क्रिटिक ने बोला था, द एम्बलम एंड द क्रेस्ट दैट वी हैव सेलेक्टेड फॉर आर असेंबली इज़ एन एलिफेंट। एम्बलम क्या होता है, सिंबल, एंड क्रेस्ट क्या होता है, पिक्चर जो ली जाती है सिंबल के लिए, कि वो जो हमारी असेंबली का है वो एक एलिफेंट है। तो उन्होंने सार्केज्म में बोला कि शायद ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साइज़ को देखकर बनाया गया है। इसके आंसर में आप जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल और लीगल फैक्टर लिख सकते हैं जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में किए थे। जियोग्राफिकल फैक्टर्स में क्या, इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, इस वजह से साइज़ बड़ा है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स में हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे एक्ट्स हैं जिनको हमने इंक्लूड किया है। और लीगल फैक्टर्स में क्या है, टेक्निकल टर्म है जो यूज़ की गई है जिसकी वजह से साइज़ बड़ा हो गया है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज़ पैराडाइज ऑफ लॉयर्स। अब लोग क्या कहते हैं कि इसमें बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है। इट कुड हैव बीन मोर ल्यूसिड। ल्यूसिड क्या होता है, जिसे समझना आसान हो। इट टेंड्स टू इंक्लाइन पीपल टू गो टू द लो कोर्ट्स। अब क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ की गई है, तो वो लेमैन को समझ में नहीं आती है, उन्हें उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए, या फिर जब कोई ऐसा मैटर हो जाता है जिसे वो खुद से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें कोर्ट्स में जाना पड़ेगा। इट कुड हैव बीन अ वाइब्रेटिंग, पल्सिंग एंड लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट। एक क्रिटिक ने बोला था, ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई, कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वाइब्रेटिंग, पल्सेटिंग और लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए था, बट वी हैव बीन बर्डन विद सो मच वर्ड्स। बट हमारे ऊपर सिर्फ क्या, वर्ड्स और वर्ड्स का बर्डन डाल दिया गया है, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें। इसके आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज वॉज नीडेड टू सेव गार्ड द एस्पिरेशंस ऑफ ऑल पीपल। हमारा इंडिया जो है इतना डाइवर्स है, उसमें इतने लोग रहते हैं, उन सबकी एस्पिरेशंस को एक जगह पे उन सबको पूरा करने के लिए, उनको सेफ गार्ड करने के लिए टेक्निकल लैंग्वेज की बहुत ज़रूरत थी। कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जैसे जस्टिस हो गया, फ्रेटरनिटी हो गया, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये की सोर्स हैं फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई केस आता है जिसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के किसी डेफिनेशन को इंटरप्रेट करना पड़े, की वर्ड्स उसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो इस वजह से ये की वर्ड्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन में डालने बहुत ज़रूरी थे। These all were criticism of the constitution. Next is schedules of constitution. As we know, our constitution has 12 schedules. तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट से लेके 12th तक। आपको इसमें क्या करना है, यूं के यूं लाइन और जो वर्ड्स हैं वो लर्न नहीं करने हैं, सिर्फ की वर्ड्स लर्न कर लीजिए, सो दैट जब भी आपको, आपके पास चॉइस आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें से कोई ऑप्शन पिक करना हो तो आप की वर्ड का यूज़ करके पिक कर सकते हैं। फर्स्ट शेड्यूल इज़ नेम ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। ओके, अभी जैसे मैं बताती हूँ, अभी जम्मू एंड कश्मीर था जो एक स्टेट था जिसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया,
तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस करने पड़े थे. देन सेकेंड शेड्यूल इज़ प्रोविजन रिलेटेड टू द एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस. इसके नीचे ये बहुत बड़ी सारी डेफिनेशन है, इसमें बहुत बड़ा कुछ लिखा हुआ है कि किन किन लोगों के एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेज लिखे हुए हैं सेकेंड शेड्यूल में, बट वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कीवर्ड्स लर्न कर लीजिए. थर्ड शेड्यूल इज़ ओथ्स और अफर्मेशंस. जब भी कोई पोस्ट लेता है तो उसके लिए उसको ओथ दी जाती है ना, ओथ और अफर्मेशन, तो वो सब किस में लिखी हुई हैं, थर्ड शेड्यूल में. फोर्थ शेड्यूल में है एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा. राज्यसभा में सीट्स की एलोकेशन फोर्थ शेड्यूल के हिसाब से चलेगी. देन फिफ्थ शेड्यूल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स. जो शेड्यूल एरियाज और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो किस में लिखे गए हैं, फिफ्थ शेड्यूल में. देन सिक्स शेड्यूल इज़ प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ये चार स्टेट्स हैं, इनमें ट्राइबल एरियाज जो हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं. अब इसको लर्न आप कैसे कर सकते हैं, ATM से लर्न कर लीजिए. ए असम, टी त्रिपुरा, में एम मेघालय एंड एम मिजोरम. एम से मणिपुर नहीं है, बस ये याद रखना, अदरवाइज ऐसे लर्न हो जाएगा. सेवन्थ शेड्यूल इज लिस्ट. इसमें लिस्ट रखी गई है. लिस्ट वन इज़ यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज स्टेट लिस्ट, थर्ड इज कंक्रेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में मैटर्स है 98, स्टेट लिस्ट में 59 एंड देन कंक्रेंट लिस्ट में 52. कंक्रेंट लिस्ट कौन सी है, जिसके ऊपर यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं. अब ये जो आपके नंबर्स हैं ये आपको लक्ष्मीकांत में अलग मिलेंगे फिफ्थ एडिशन में, बट जो उसका सिक्स एडिशन है बेटेड एडिशन उसमें सही नंबर मिलेंगे आपको, तो या तो नोट कर लीजिए अगर आपके पास सिक्स एडिशन नहीं है, अदरवाइज आपको बुक में मिल जाएंगे. एट्थ शेड्यूल इज अबाउट लैंग्वेजेज. इसमें लैंग्वेज रखी गई है कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, सो दीज आर 22 इन नंबर्स. नाइन्थ शेड्यूल में आते हैं सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस. कुछ एक्ट्स और रेगुलेशंस हैं जिनको नाइन्थ शेड्यूल में रखा गया, ये हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे. देन टेंथ शेड्यूल इज एंटी डिफेक्शन लॉ. डिफेक्शन क्या होता है, दल बदल करना, अगर पॉलिटिकल लैंग्वेज में बात करें. वैसे अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो किसी लॉ को या किसी रूल को ना फॉलो करना इज डिफेक्शन. एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, जैसे कुछ मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के भी जो दल बदल लेते हैं, पार्टी बदल लेते हैं. आपको पता ही है रिसेंटली न्यूज़ में एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत ज़्यादा चल रहा था, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो ध्यान से देख लेना. ये इसमें क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं वो दल बदल लेते हैं, तो उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर क्या होता है, उनसे उनकी जो मेंबरशिप है वो ली जा सकती है. देन इलेवंथ शेड्यूल इज़ पंचायत. पहले हमारे पास 10 शेड्यूल थे ना, उसके बाद 12 शेड्यूल हो गए थे, तो 11th और 12th शेड्यूल में क्या ऐड किया गया था, पंचायत. 12th में म्यूनिसिपैलिटीज़ अंडर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 रिस्पेक्टिवली. सो दीज ऑल वर शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब हमने आगे पढ़ने हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. जैसा कि हम पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, तो ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं किस कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं. फर्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया है, फेडरल स्कीम, मतलब सेंटर और स्टेट दो अलग अलग होंगे, उनमें पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस स्टेट के भी और यूनियन के भी, एमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स. और ये क्या था, जब एक क्रिटिसिज्म आया था बीच में कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कॉपी है, तो उसका आंसर करते हुए डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने ये बोला था कि आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ बोरविंग, बट उन्होंने ये बोला था कि हाँ एक चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं आई, वो क्या, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मोस्टली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही लिखा गया है, बाकी जो और चीज़ें हैं वो कम लिखी गई है, तो वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल जो थी वो काफ़ी सारी उठाई गई थी, क्योंकि उसमें मेनली क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन ही था. सेकेंड इज़ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से क्या क्या लिया गया था, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, की जो गवर्नमेंट होगी वो पार्लियामेंट्री होगी फॉर्म में, प्रेसिडेंशियल नहीं होगी. नेक्स्ट इज़ रूल ऑफ लॉ, ये फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे. लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कि क्या क्या प्रोसीजर होता है लॉ बनाने का. सिंगल सिटीजनशिप, सभी सिटीजन्स को सिंगल सिटीजनशिप दी जाएगी, स्टेट की और कंट्री की अलग अलग नहीं होगी. कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट बनेगा. प्रेरोगेटिव रिट्स, ये क्या होता है, स्पेशल पावर होती है जो कोर्ट के पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी और हाई कोर्ट के पास भी, ये भी फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाई कैमरलिज्म,
पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, प्रिविलेज होता है कोई स्पेशल अधिकार मिलना किसी चीज़ को, तो जो हमारे सांसद हैं, जो MPs हैं, उनको क्या है स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं कुछ, जो पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट उनसे रिलेटेड जो टर्म्स थी वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी। देन बायकैमरलिज्म की हमारे पास दो हाउस होंगे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, नॉमिनल हेड। अब हेड क्या होता है, किसी कंट्री के दो हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव होता है और एक नॉमिनल होता है। नॉमिनल होता है जो एक्चुअल में हेड होता है, बट वो सिर्फ कहने का हेड होता है, एक्चुअल में उसके पास इतनी पावर्स नहीं होती हैं। और एक होता है एग्जीक्यूटिव हेड, जो एक्चुअल में जो सब काम किए जाते हैं उन सबका हेड होता है, उसके कंट्रोल में सब कुछ होता है। तो हमारी कंट्री में एग्जीक्यूटिव हेड माना जाता है प्राइम मिनिस्टर को, और नॉमिनल हेड माना जाता है प्रेसिडेंट को। जो नॉमिनल हेड है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, किस लिए, क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो हेड है वो कौन है, क्वीन एलिजाबेथ है, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, जो कि सिर्फ एक हेड है, वो सारे काम नहीं संभालती हैं। देन पोस्ट ऑफ PM ये भी ली गई है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। लोअर हाउस मोर पावरफुल, हमारा लोअर हाउस ज़्यादा पावरफुल है ना, लोकसभा, वो ब्रिटेन में लोअर हाउस ज़्यादा पावरफुल है, तो वो वाला जो है सिस्टम यहाँ वहाँ से लिया गया है। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, जो कैबिनेट होगा मिनिस्टर्स का वो लोअर हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कैसे, जैसे मान लो उन्होंने कोई लॉ पास किया है और वो जो लॉ है बाकी सब लोगों को पसंद नहीं आता है, तो उन्हें अपने एक्शन का जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने वो जो लॉ बनाया है वो क्यों बनाया है। नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ खाप। खाप जो है वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, बट वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए आपको ये बुक में नहीं लिखी मिलेगी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं वो टेबल में कैसे होगी। नेक्स्ट इज़ US कॉन्स्टिट्यूशन। US के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं हमने, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हम पढ़ चुके हैं, जुडिशियल रिव्यू पढ़ चुके हैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट क्या होता है कि प्रेसिडेंट को जब हटाना है उसकी पोस्ट से तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। वैसे अभी आपने पढ़ा होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं US के प्रेसिडेंट, उनकी इम्पीचमेंट का प्रोसेस चला था बट वो इम्पीच नहीं हो पाए थे। देन रिमूवल ऑफ SC एंड HC, SC's सुप्रीम कोर्ट, HC's हाई कोर्ट, उनके जो जजेज हैं उनके रिमूवल का क्या क्या प्रोसेस रहेगा। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल का क्या रहेगा प्रोसीजर। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न और अनरिटर्न दो टाइप का होता है, तो जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो US से आया है। एग्जीक्यूटिव हेड बीइंग कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज, जो एग्जीक्यूटिव हेड होगा वो आर्म फोर्सेज का कमांडर होगा। देन सुप्रीम कोर्ट, प्रोविजन ऑफ स्टेट्स और प्रियम्बल, प्रियम्बल भी जो है हमारा US के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। अब ये क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड बीइंग कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज। वैसे अभी मैंने आपको बताया था जो हमारे एग्जीक्यूटिव हेड हैं वो प्राइम मिनिस्टर है, एक्चुअली वो प्राइम मिनिस्टर है बट कहने में सिर्फ हैं, माना जाएगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को ही हेड ऑफ स्टेट जो है वो माना जाता है और उनको फर्स्ट सिटीजन भी बोला जाता है। तो अगर आप लिखेंगे तो लिखने में तो प्रेसिडेंट ही लिखना है, एंड ही इज़ द कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मत समझ लेना, आप प्रेसिडेंट इज़ द कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज। वैसे अगर हम रियल एग्जीक्यूटिव हेड की बात करें तो वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। देन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से हमने जो DPSP हैं वो उठाए हैं। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, अब जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो इलेक्ट भी होते हैं और नॉमिनेट भी होते हैं। जो नॉमिनेशन है उसका प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का मेथड है वो अभी हमने कहाँ से उठाया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट इज़ कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडा से हमने क्या लिया है, फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, की फेडरेशन तो होगा, मतलब कि सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो होगा बट जो सेंटर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हमने पढ़ा था ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर में दैट आर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिटरी बायस, मतलब क्या है कि वैसे तो फेडरेशन है बट स्पिरिट में ये जो है यूनिटरी है, मतलब सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर इन द सेंटर, अभी रेजिड्यूरी पावर कौन सी होती है, कुछ पावर ऐसी हैं जो सेंटर के पास है, कुछ पावर ऐसी है जो स्टेट के पास है। अब कुछ टॉपिक ऐसे थे जो ना तो सेंटर की लिस्ट में आ पाए थे और ना ही स्टेट की लिस्ट में आ पाए थे, तो वो जो टॉपिक्स हैं वो सब सेंटर को दे दिए गए हैं। अपॉइंटमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, जो सेंटर है स्टेट गवर्नर्स को अपॉइंट करता है। एंड एज एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास एक ज्यूरिस्डिक्शन होती है जो एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन होती है, और भी बहुत सारी होती हैं जो हम सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया था, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या, जिस पर स्टेट और यूनियन दोनों काम करेंगे। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सीटिंग क्या होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीटिंग होती है। द लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, हमारे प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से।
नेक्स्ट इज वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी. अब इसे वीमर कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बोला जाता है, जर्मनी का एक शहर है वीमर, और वहाँ पर पार्लियामेंट में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सबने वहीं पे सिग्नेचर किए थे. वहाँ से हमने क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी. हमने एमरजेंसी पढ़ी थी ना, तीन टाइप की होती है, तो जब एमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, सभी नहीं होते. कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, वो हम फंडामेंटल राइट्स में ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, USSR भी जिसे बोलते हैं, बट अब वो रशिया हो गया. सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, सोवियत क्या था, सोवियत जो था बहुत सारी उसमें कंट्रीज आती थी, उन सबका एक ग्रुप था, बट अभी जो है वो रशिया है. वहाँ से हमने क्या उठाया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, बाद में ऐड की है हमने. एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस, जस्टिस तीन टाइप का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीनों इन द प्रीएम्बल. प्रीएम्बल में लिखा हुआ है हमने जस्टिस जो है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल. एंड देन फाइव ईयर प्लान, फाइव ईयर प्लान चलते हैं ना, वो कहाँ से लिए हैं हमने, रशिया से. नेक्स्ट इज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस से हमने क्या उठाया है, रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी. रिपब्लिक वर्ड उठाया है कि हमारा जो हेड होगा वो हम खुद चूज करेंगे, लोगों के द्वारा चूज किया होगा. एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. लिबर्टी आज़ादी, इक्वालिटी समानता, फ्रेटर्निटी क्या होती है आपकी, भाईचारा. इन द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में तीनों कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, रिपब्लिक भी लिखा हुआ है, सब कहाँ से लिया है हमने, फ्रांस से. नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं सिंपल प्रोसीजर से भी और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर से भी, वो हमने कहाँ लिया है, कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से. देन इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनके जो इलेक्शंस होंगे वो हमने कहाँ से लिए हैं, साउथ अफ्रीका से. और जो नॉमिनेशन था राज्यसभा के मेंबर्स का, वो हमने कहाँ से लिया था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. लास्ट इज जापान, जापान से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. ये भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो FR पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम. नेक्स्ट इज लॉ ऑन विच SC फंक्शंस, सुप्रीम कोर्ट के कुछ लॉ हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं जिन पर वो काम करता है, वो भी हमने कहाँ से लिया है, जापान से लिया है. नेक्स्ट इज फैक्ट्स, आज हमने कुछ फैक्ट्स पढ़नी है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड. फर्स्ट इज मिस्टर ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, इनके बारे में हमने पढ़ा था पहले फैक्ट्स में. इन्होंने क्या किया था, प्रीएम्बल जो था उसे ब्यूटीफाई किया था, एंड अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्होंने ब्यूटीफाई किया था. ऑल्सो ही वॉज आर कल्चरल एम्बेसडर. नेक्स्ट इज हमने पढ़ा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, इट वॉज साइंड ऑन 24 जनवरी 1950. फर्स्ट सिग्नेचर जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे. पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. देन लास्ट सिग्नेचर जो थे वो किसने किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे, ही वॉज आर फर्स्ट प्रेजिडेंट. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड एट डिसीजन ऑन वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय कंसेंसस. जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कई बार क्या होता था, कुछ प्रोविजन ऐसे होते थे जिसके फेवर में कुछ लोग होते थे और जिसके फेवर में कुछ लोग नहीं होते थे, तो वो लेके आना है कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं लेके आना है, उसका डिसीजन कैसे होता था, कंसेंसस से. कंसेंसस क्या होता है, एग्रीमेंट, मतलब मेजोरिटी जिस चीज़ के फेवर में चली जाती है वो डिसीजन ले लिया जाता है. नेक्स्ट इज ओरिजिनल कॉपीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश. एज आई टोल्ड यू, इंग्लिश में जो था कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली लिखा गया था, उसके बाद उसको हिंदी में लिख दिया गया था आफ्टर एन अमेंडमेंट. वो अमेंडमेंट कौन सा है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे. अब उन दोनों को कहाँ रखा गया है, दोज आर कैप्ट इन स्पेशल हीलियम फिल्ड केसेस इन लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया की जो पार्लियामेंट है न्यू दिल्ली में है, उसमें एक लाइब्रेरी बनी हुई है, लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट. उसमें क्या है, स्पेशल हीलियम फिल्ड केसेस हैं. हीलियम से क्यों, हीलियम जो गैस होती है वो इनर्ट होती है, मतलब वो रिएक्ट नहीं करती, तो उसमें अगर हम कोई चीज़ रखेंगे तो उसमें रिएक्शन नहीं होंगी. एज अ रिजल्ट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन रखे हुए हैं उसमें वो ख़राब नहीं होंगे, तो उन्हें हीलियम फिल्ड केसेस में रखा गया है. लास्ट फैक्ट इज़ नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950. हमने किया था, नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947, इंडिपेंडेंस से पहले. उसके बाद नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम बोथ वर एक्सेप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950, जिस दिन सिग्नेचर हुए थे. बट आर नेशनल एम्बलम, जो राष्ट्र चिन्ह है हमारा, जो अशोका स्तंभ से लिया गया है, इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया था. सो इट वॉज ऑल, अब हमारा चैप्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कम्प्लीट हो गया है. अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, एंड ऑल्सो इस वाले चैप्टर की भी PDF मेरे पास रेडी है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में बोल देना. ओके, हैव अ नाइस डे.